सुप्रभात, जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हुनरदान एनजीओ में। हमारी मुहिम का हिस्सा बने, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा प्रयास ज़रूर करें। वेलकम बैक टू आवर चैनल हुनरदान संस्थान एनजीओ। मैं सरिता सोनी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। और हमारी बस्ती की क्लासेस में एक नया बदलाव हम लोग लाने का एक प्रयास कर रहे हैं छोटा सा। उस बदलाव में हम लोग कल कुछ सामान लेके आए हैं, वो है बोर्ड, जो कि आज विमल जी यहाँ पर उसे नेल लगा कर अभी लगाएंगे, और कुछ बुक्स हैं। तो अभी आपको मैं वीडियो में आने वाले समय में दिखाना चाहूँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। सारा अरेंजमेंट किया जा रहा है, तो आज विमल जी यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड लगा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की यहाँ पे स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। और ये बच्चे प्रतिदिन कह रहे थे कि सर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड लेके आई है, तो ब्लैक बोर्ड के लिए आज यहाँ पर नेल लगाई जा रही है और कोशिश किया जा रहा है कि बच्चों की थोड़ी सी सुविधा और बढ़ाई जाए, जिससे बच्चों को दिखे, क्योंकि जब चित्रों के माध्यम से बच्चों को दिखाया सुनाया जाएगा तो चीजें थोड़ा सा और ही सरल हो जाएंगी। बस बस, तो इसका एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। एक और नेल लगाओ जिससे पूरा बर्डन इस पे नहीं आएगा विमल, एक और लगा दो, ये यहीं रखी थी मैंने, दे दिया था, मजबूत हो गई है, उससे मजबूत हो गया। बस ठीक है, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, सफिशिएंट है। ये हटा लो थोड़ा सा। उस दिन सबको कॉपी दी गई थी, सारे बच्चे कॉपी लेके आए हैं, निकालो अपनी कॉपी, निकालो सारे बच्चे। तो जो जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा वो खोएगा। हम पहले ही बोल रहे थे जो पढ़ने आएगा वो, जो पढ़ने का इच्छुक है सारी कॉपी अपनी हाथ ऊपर रख के दिखाओ, किस किस बच्चों को कॉपी मिली थी। वेरी गुड, सारे बच्चे अपनी कॉपी डेली लेके आएंगे, ठीक है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। एक सेकंड ऊपर करो, बहुत सुंदर। घर पे दिखाया था सारे बच्चों ने अपनी कॉपी, बताया था मम्मा से कॉपी मिला है ना। और आज हम लोग को आप लोगों के लिए बुक्स लेके आए हैं, है ना। हाँ, बुक्स लाए हैं, बट बुक आपको घर के लिए नहीं देंगे, यहीं पढ़ाएंगे, यहीं ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप गुम कर दोगे तो फिर दोबारा हम कहाँ से लाएंगे। बोर्ड लग चुका है, अब आज से ब्लैक बोर्ड में ही सर पढ़ाएंगे, सर का आज नया एक्सपीरियंस होगा। और बच्चों के लिए बुक्स लाए हैं, ज्ञान गंगा, तरंग ज्ञान गंगा। ये ज्ञान गंगा जो ये बुक है, सभी लोगों ने अपने बचपन में पढ़ी होगी, क्योंकि इसमें हमने भी पढ़ी है। 3-in-1 मीन्स इसमें इंग्लिश, हिंदी, और इसमें जो छोटे से बच्चों के लिए जो ये देख रहे हैं, वर्णमाला भी है इसमें, इसमें 2 अक्षरों वाले शब्द है, 12 खड़ी है, मात्राएं हैं, तो 2 शब्दों को मिलाकर कैसे लिखा जाता है, शब्द है, उसके बाद पोएम्स हैं, लिखी हुई स्टोरीज है, काउंटिंग है, काउंटिंग के बाद जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना, सब्सट्रैक्शन और एडिशन, ये है फ्रूट्स नेम, छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंस हैं, ये इसमें इंग्लिश के भी पोएम्स हैं, छोटी छोटी। कल हम लोग ये मार्केट, अगर आपको कहीं चाहिए कानपुर से, अगर कोई लोग आप देने जा रहा है, तो मूलगंज में हम लोग थोक मार्केट से लेके आए थे। एनिमल्स नेम, वेजिटेबल नेम, फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम, रिलेटिव्स। और काफी टाइम हमने प्रयास किया कि लोग हमें कोई कहीं से कुछ दान कर दें तो मिल जाए, तो एक जना एक महानुभाव है, उनकी मैं तारीफ भी करना चाहूंगी, विमल जी के मित्र थे, उनका नाम रवि अरोड़ा जी है, कॉपी दे भी गए थे, लेकिन कॉपी के साथ बुक्स की भी नीड थी, तो बुक्स आज आई हुई है और सारे बच्चों को हम देंगे और वापस ही लेंगे, क्योंकि बुक्स थोड़ा सा कॉस्टली है और ये लोग हो सकता है कि दोबारा यहाँ से गुम कर दें। शांताकारम भुजगशयनम, तो बोलो फिर से बोलो, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम चुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम
भवन्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं संस्कृत में बोली जाने वाली देवनागरी भाषा। तो संस्कृत का उपयोग हमारे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा है। एक दिन हम एक मंत्र आपको सिखाएंगे, उस मंत्र को आपको याद करना होगा, ठीक है? तो बोलो जय श्री राधे कृष्णा। तो ये रहा मेरा भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का एक छोटा सा प्रयास, जिसमें विष्णु जी का मंत्र यहाँ पर मैंने बच्चों को सिखाया है। और इसके साथ ही विमल जी अपनी शिक्षा के साथ अपने क्षेत्र को संभालने के लिए अपनी कमर कस रहे हैं, और इसी कड़ी में अपनी बच्चों को यहाँ पर हम बुक्स को डोनेट करते हुए हम चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन बच्चों को कुछ नया सीखने को मिले। और इसी क्रिया में, इसी कड़ी में हमने ब्लैक बोर्ड और स्टेशनरी से जुड़ा जितना भी आइटम है, यानी शिक्षा से जुड़ी संबंधित जितनी भी सामग्री है, वो और बच्चों को प्रतिदिन हम यहाँ पे दान कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इन बच्चों को उचित शिक्षा मिले, और उस उचित शिक्षा में कई बच्चे ऐसे हैं जो वास्तविकता में इस शिक्षा को लेना चाहते हैं, और कई ऐसे हैं जिन्हें आदत पड़ चुकी है कि वो अच्छा देख कर भी नज़रअंदाज करते हैं। तो दोनों अवस्था में हमें सब दोनों तरह के बच्चों को संभालने का प्रयास करना है। हुनरदान संस्थान अपनी दिन दुगनी मेहनत करके नए नए आइडियाज़ क्रिएट कर रहा है, और नए नए चीज़ों को यहाँ पे अपनी मेहनत के साथ लगा रहा है, क्योंकि जब देश का भविष्य खतरे पर होगा तो आने वाला समय और भी बेकार चला जाएगा। तो इसलिए ये प्रयास जरूर करें कि अपने आसपास बस्ती की क्लासेस लें। क्या बोला है? पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। वेरी गुड। तो आज के बाद से पढ़ना लिखना शुरू, ठीक है? बनाओ छोटा सा अनार, बनाओ ऐसे, यह छोटा सा अनार। चलो अपनी अपनी कॉपी में सब लोग लिखो। आज आप लोगों को सर पढ़ाएंगे पोयम। पोयम याद करनी है? पोयम याद करनी है ना? कौन सी पोयम है ये? पोयम कौन सी है? क्या नाम है पोयम का? पोयम जो है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अर्ली टू बेड, पहली लाइन है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। दो पंक्तियों का मतलब बताओ केवल अभी। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? अर्ली टू बेड मीन्स क्या होता है? पहले बात सुनो, पूरी सर से सुनो। अर्ली टू बेड का मतलब होता है कि हमको शाम को जो बेड पे सोने के लिए आते हैं ना, तो अर्ली मीन्स जल्दी, हमको जल्दी हमको सोने जाना है, जल्दी सोना है। एंड अर्ली टू राइस, नहीं राइस इज द उठना, अर्ली मीन्स जल्दी, तो जल्दी हमको सुबह उठना है। अर्ली टू बेड मीन्स सुबह शाम को जल्दी सोना है, एंड अर्ली टू राइज मीन्स जल्दी उठना है, ठीक है? मेक्स अ मैन, मेक्स अ मैन मीन्स मतलब ये जो आदतें हैं, शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये आदतें आदमी को बनाती हैं। एक क्या बनाती है? क्या बनाती है? हेल्दी, हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस। इसका मतलब क्या है? हेल्दी मीन्स हेल्दी मीन्स स्वस्थ, वेल्दी मीन्स धनी, एंड वॉइस, वॉइस मीन्स बुद्धिमान, ठीक है? इस पूरी जो पोयम है इसका मतलब है कि अगर हम जल्दी शाम को सोते हैं और जल्दी सुबह उठते हैं, तो इससे जो बच्चे सुबह शाम को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं,
वो हेल्दी मीन्स स्वस्थ, वेल्दी मीन्स धनी और वाइस मीन्स बुद्धिमान, वो बुद्धिमान बनते हैं। ठीक है, किसको जाओ जाओ। तो सर ने क्या सिखाया? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, एंड अर्ली टू राइज दो पंक्तियों का मतलब है शाम को जल्दी सो जाइए और सुबह जल्दी उठ जाइए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है? मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस। ये जो दो आदतें हैं कौन सी? शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, इससे क्या होता है? ये दो आदतें क्या बनाती है इंसान को? स्वास्थ्य, धनी और बुद्धिमान। वेरी गुड। ठीक है, तो ये पोयम का लर्न करके लानी है सबको, बता दिया ना? ये चार लाइन है, फोर लाइन्स है ना? फोर लाइन्स है, ओनली फोर लाइन्स आपको ये याद करके आनी है। ठीक है, तो हालांकि गरीबी को दूर करने के अभियान हमेशा चलाए जाते हैं, लेकिन गरीब लोगों की अशिक्षा की वजह से पता ही नहीं चल पाता कि शिक्षा पर लोगों का अधिकार है। देश की उन्नति तभी मुमकिन है जब गरीब जैसी समस्याओं को जड़ से मिटाया जा सकता है। भारत में अमीर और मध्यम वर्ग के मुकाबले में गरीब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये गंभीर समस्या भी है जो सालों साल से बनी हुई है, और गरीबी की वजह से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिसका हम प्रयास कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन उन्हें आर्थिक तंगी की वजह से शिक्षा में बाधा ना हो। बाल मजदूरी सरासर गलत है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे गरीबों की हालत पर सुधारा जा सकता है। गरीब एक ऐसी तकलीफ है जो सारी ज़िंदगी लोगों को परेशान कर देती है, व्यक्ति का सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा गरीबों को मिटाया जा सकता है। अशिक्षा मनुष्य के जीवन को अंधकार की तरफ ढकेल रही है और मनुष्य को मुश्किल में डाल रही है, जबकि शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है। गरीब परिवारों को समझाना बहुत ही आवश्यक है। सरकार काफ़ी योजनाएं बनाती हैं, लेकिन जागरूकता की कमी होने के कारण वो लोगों से दूर होता है, वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। गरीब लोग निराशा के दलदल में फंसते ही जा रहे हैं, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास हुनरदान संस्थान कर रहा है। कृपया आप भी हमारा साथ निभाएं और ऐसे भी